पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी करते हुए राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। साथ ही अधिकारी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। खटीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट, तहसीलदार हिमांशु जोशी के नेतृत्व में लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है। तहसीलदार हिमांशु जोशी ने कहा कि दाह ढाकी गांव में 16 परिवारों को रेस्क्यू कर अन्य सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। बाढ़ की वजह से कुछ लोगों के मकान भी ध्वस्त हो गए थे। उन लोगों को राहत सामग्री के साथ 5,000 की राहत राशि दी गई है। हिमांशु जोशी ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की प्रशासन हर संभव मदद कर रहा है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है तथा उनके रहने की उचित व्यवस्था की जा रही है। 16 परिवार बाढ़ आने से प्रभावित हुए हैं, उनके मकानों को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। उनको हमने एसडीएफ की मदद से उनका रेस्क्यू किया है और उनको सुरक्षित स्थान सेंट फ्रांसिस स्कूल में पहुंचाया हुआ है। करीब 16 परिवार है, उनको राहत सामग्री दी है और हमने अहैतुक सहायता 5,000 रुपये की राशि तत्काल ऑन द स्पॉट दी हुई है और जो भी आगे मदद होगी उनको कर रहे हैं। उनके रहने की व्यवस्था भी हमने की है, उनके गद्दे वगैरह भी उनको दिए हुए हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।